वाड़ी नगर परिषद अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 20 में तकरीबन 15 साल से दुर्गंधी भरा पानी रस्ते पर आने से परिसर दुर्गंधीमय हो जाता है। आठवां मेल चौक यह व्यापार क्षेत्र है जहां पीजी चैम्बर के आगे चैम्बर ना होने से दुर्गंधी आठवां मेल हो चुका दिखाई दे रहा है। चैम्बर ना होने के कारण पूरा दूषित पानी रास्ते पर आ जाता है। आने जाने वाले नागरिकों को यह समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आठवां मेल चौक में दो स्कूल आती है, एक ग्राम पंचायत तो सप्ताह मार्केट भी यही है। आने जाने वाले लोगों की भारी मात्रा में भीड़ रहती है, लेकिन अब तक इस समस्या का किसी ने निवारण नहीं किया। बीते 15 साल से पीजी चैम्बर के तकरीबन 50 नागरिक यह दुर्गंधी सुबह शाम सूंघते आ रहे हैं। साथ ही बारिश के समय चैम्बर न होने के कारण पूरा पानी पीजी चैम्बर के फ्लैट धारकों के घर में घुस जाता है। पीजी चैम्बर के निवासियों का उस समय आना जाना मुश्किल हो जाता है। हर समय दुर्गंधी जलमय वातावरण से नागरिकों के स्वास्थ्य पर भारी असर हो रहा है। जमा हुए पानी में मच्छर और बदबूदार कीड़े पैदा हो गए हैं। इस संदर्भ में कई बार नागरिकों ने मौखिक व लिखित शिकायत वाड़ी नगर परिषद को दी। नागरिकों को हमेशा असंतुष्टिजनक ही उत्तर स्थानीय प्रशासन से मिला। गत 5 साल से स्थानीय नागरिक इस दुर्गंधी के विषय पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और निर्माण विभाग आपस में आनाकानी करके नागरिकों को असंतुष्ट कर रहे हैं। आठवां मेल चौक से आने वाली स्कूल छात्राओं को बड़ी पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पीजी चैम्बर में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना जरूरी हो गया है। सुबह शाम इस परिसर में दुर्गंध फैली हुई होती है। नगर परिषद द्वारा नागरिकों को फंड नहीं है तो कभी बॉडी नहीं है, ऐसा उत्तर भी सुनना पड़ रहा है। सड़क से चलने वाले पैदल आदमी को दुर्गंधी होती है तो कभी कभी फूटे चैम्बर में गाड़ी के चक्के घुस रहे हैं। बारिश के वक्त छोटे बच्चे बहकर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस विषय पर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों की अनदेखी नजर आ रही है। इस दौरान प्रदीप मंडल, रंजीता मंडल, शरद मेश्राम, दिनेश बुड़वाई, रमेश ताजने, शैलेश कुहिके, जयकर भौसर, इजाज खान, चंदू धवले, संतोष टोंगरे, डॉक्टर चिटमुलवार, समय कासोरे, गोपाल बेले, समाधान चौरबगार, मुकेश बुड़वाई, प्रशांत केवटे, हेमराज खफसे, नरेश पौणीकर, विश्वदीप नांगे, मुकेश हरिरेखन, पवन गुरु, मोनाली पानसे, शैलजा शुक्ला, गीता पोटभरे, ललिता प्रजापति, उषा कोमडे आदि प्रमुख रूप से शिकायत करने के लिए उपस्थित थे। हा परिसर वाड़ी नगर परिषदेचा अंतर्गत येता आहे। हे व्यापारी संकुल आहे। सर्व व्यापारिक वर्ग आक्रोशाने या ठिकाणी आपल्या समस्या मांडत आहे, परंतु वाड़ी नगर परिषद याकडे दुर्लक्ष करत आहे। वाड़ी नगर परिषद फंड नसल्याचे बहाने करून टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे। अशा प्रकारची गंदगीमुळे आणि ही गंदगी अमरावती रोडवरती म्हणजे जिथून या वाडी परिसराची सुरुवात होते, हा व्यापारिक वर्ग आहे। डिफेन्स परिसरातले सगळं कर्मचारी या ठिकाणी व्यापारिक दृष्टिकोनातून परचेसिंग करीता येतात। या ठिकाणी ही नाली आहे, गड्डा या ठिकाणी आहे, इथूनच शाळा आहे, जे शाळेतील लहान वस्त्यातले लहान मुलं याच रस्त्याने आवक जावक त्यांची असते, आणि इतकी गंदगी या ठिकाणी आहे। नगर परिषद प्रत्येक गोष्टीला टाळाटाळ करत आहे, पैशाचा अभाव सांगते, कर्मचाऱ्याचा अभाव सांगते, तर हे टाळाटाळ करण्याचाच हा भाग आहे। तरी प्रशासनाने काळजीपूर्वक या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। प्रशासनाने या ठिकाणी जे कर वसुली करता मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी कर वसुली होते, त्या कराचा भाग या व्यापारी लोकांसाठी त्यांनी मदत म्हणून सहकार्य म्हणून तो भाग खर्च करावा आणि या ठिकाणची दुरुस्ती लवकरात लवकर करावी अशी विनंती आहे। अन्यथा या ठिकाणी एक मोठा आक्रोश निर्माण होईल आणि तो भार महानगर वाडी नगर परिषदेला त्याचा भार सहन करावा लागेल। धन्यवाद। हाँ, मैं इरशाद खान नावेल्टी जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ। शॉप नंबर 9 है। मेरे दुकान के सामने से जो गटर लाइन बह रही है, ये गटर लाइन की वजह से बहुत परेशानी है। इससे हेल्थ के ऊपर में बहुत परेशानी है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और ये समस्या हमने कई बार अप्लीकेशन की है, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। नगर परिषद में 2-4 बार प्रदीप मंडल ने भी अप्लीकेशन किया है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। इस वजह से हम लोगों को इसकी उचित कार्यवाही की जाए, ऐसी मांग करते हैं हम। रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालय टीचर हूँ, यहीं पीजी चैम्बर में रहती हूँ। कई वर्षों से यह समस्या है। कई बार हम लोगों ने, पीजी चैम्बर वालों ने अपना पैसा खर्च करके ये ठीक कराया, लेकिन 2-4 लोग आते हैं, 2-4 लकड़ी इसमें डालते हैं और ये ठीक नहीं हो पाता है। 1-2 दिन के लिए समस्या का निदान होता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाता है।
हम सीनियर सिटीजन हैं, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी सब तरफ फैली हुई है, ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ रहते हैं, दुकान के सामने इतना बड़ा गड्ढा है, कोई छोटा बच्चा अगर इसमें गिर जाए तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कौन इसको जो लेने करने जाएगा ठीक, वो भी उसमें गिर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले इनको ठीक किया जाए। इनको ठीक किया जाता है तो इनमें ऐसे ही पत्थर भर दिए जाते हैं, प्रॉपर उसको ढूंढ कर नई पाइपलाइन डालकर उसका ठीक से कवर करना चाहिए। उसको कवर करेंगे तभी इस समस्या का निदान होगा। धन्यवाद। हेलो, मैं प्रदीप मंडल वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमारे इसमें समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे जो गटर लाइन है ये पूरा टोटली लीकेज होता है और इसका जो गंदा पानी है पूरे रास्ते से लेके हर जगह पूरा बहता है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने नगर परिषद में कई बार एप्लीकेशन भी दिया है और एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने हमको बताया है कि हमारे नगर परिषद में अभी कोई फंड नहीं है, जब तक फंड नहीं आता तब तक इसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर पाटिल मैडम से मिले थे हम लोग, तब उन्होंने हमको ऐसा बताया कि जैसे फंड आता है वैसे काम हम चालू करेंगे, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसी समस्या हुई, कई बार हम लोगों ने एप्लीकेशन दोबारा दिया है, रिमाइंडर के साथ दिया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके वजह से हमें सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कृपया जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। मी मोनाली पन्ना से पीजी चेंबर मध्ये राहत असते आणि या अगोदर पण मी जेव्हापासून इथे राहायला आले तेव्हापासून मला असं वाटतं की हा गटर लाईनचा प्रॉब्लेम नेहमी करताच चालू आहे। आणि आम्ही या अगोदर डिसेंबर 2022 ॲप्लिकेशन दिली होती, तिथे आम्ही गेलो होतो नगर परिषदमध्ये, तर त्यांनी आम्हाला सरळ म्हटलं आहे की हे काम आमचं नाही आहे, हे कामगार विभागामध्ये येते आहे। तर त्याच्यानंतर आम्ही अजून सेकंड ॲप्लिकेशन दिली होती पण त्याच्या अजूनही त्याच्यावर काही निष्कर्ष आला नाही आणि गटर इतकं वाहत असते, आज उन्हाळा असूनही एवढं वाहत आहे, तर तुम्ही विचार करू शकता की पावसाळ्यामध्ये किती वाहत असे। आणि वाहत तर इथं आहे आणि आम्ही तिथे तक्रार करायला जातो तर तेवढ्यापुरतं ते लोक येतात आणि त्या गटरमधला जो माल असतो ना त्याच्याच बाजूला टाकून देतो, पण तो माल बाजूला उचलून आणि दुसरीकडे नेऊन टाकत नाही। आणि थोडंसंही वारा धुऊन आली की काही आली ते पुडके काही ग्लासेस पॉलिथिन वगैरे सगळे पुन्हा अजून त्यामध्ये जमा होते। पुन्हा आज इतकी भयानक परिस्थिती आहे की कोणी पण तिथे पाय देऊ शकत नाही आणि सगळे वाहनं वगैरे असे रुखून आते, आम्हाला असं खाली बघत चालावं लागतं की आमच्या पायाखाली काही ते गटरचं पाणी तर नाही आहे बा, म्हणजे आमचं इतकं जुनं हे केलं। पीजी चेंबरमध्ये आजूबाजूला एवढं भयानक वातावरण होऊन गेलं आहे की आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला यापुढे कोणत्या रोगाचा सामना करायला लागेल हे आम्हाला आता निश्चित झालं आहे, तर याच्यावर आम्हाला तुरंत कारवाई केल्या जाईल बा असे आम्ही आमची तुमच्याकडून अपेक्षा करतो आहे। धन्यवाद। वाडी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।